फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कुर्ती हमने कटिंग की है तो उसका आरमोल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हर साइज का आरमोल कैसे निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इससे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो भी मैंने आपको मेरे चैनल पे जो बेसिक कोर्स शुरू किया है, जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है, सिलाई का जो भी कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद उसके साइड में आपको एक ज्वाइन बटन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। तो आपको पूरे बहुत सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे और आपको वो देख के सीखना है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको ड्रेस के बारे में बताऊंगी। जैसे इससे पहले मैंने ड्रेस की कटिंग बताई थी और ड्रेस की सिलाई भी बताई है कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अभी यहाँ पे आरमोल जो है हर साइज का कैसे निकालना है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और साइड में जो बेल आइकन रहता है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने चेस्ट का नाप लिया है, यहाँ पे हमने क्रॉस लिया है और यहाँ पे हमने आर्मोल लिया है। तब इसे निकालते कैसे हैं, तब देखिए यहाँ पे मैं आपको पेपर के ऊपर समझाऊंगी। जैसे हम कपड़े के ऊपर बनाते हैं तो वैसे मैं आपको पहले पेपर के ऊपर समझाती हूँ कि कैसे लेना है, चेस्ट के हिसाब से क्रॉस कितना लेना है और आर्मोल कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा नाप जो है, पहले तो मैं आपको ये चार्ट जो है वह समझाती हूँ। जब भी हम कुर्ती का नाप लेते हैं, जैसे ये बॉडी के ऊपर का नाप है, तो बॉडी के ऊपर का नाप जब हम लेते हैं उसमें भी हमें लूजिंग रखनी पड़ती है। उसके बाद जब हम कुर्ती के ऊपर नाप लेते हैं उसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, उसमें लूजिंग नहीं रखनी होती है। सिर्फ आपको बॉडी के ऊपर नाप लेके आपको उसमें लूजिंग भी रखनी है और इसमें आपको मार्जिन भी रखनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉडी के ऊपर नाप लेने के बाद दो नाप आपको लेना है, जैसे लूजिंग और मार्जिन दोनों रखनी है। कुर्ती के ऊपर नाप लेंगे तो आपको सिर्फ मार्जिन रखनी है। अब देखिए यहाँ पे आपका चेस्ट का नाप है, बॉडी के ऊपर नाप लेने के बाद हमारा चेस्ट का नाप आता है 30 इंच। 30 इंच बॉडी का नाप आता है तो आपको क्या करना है, क्रॉस 6.5 इंच आता है और आरमोल जो है वो स्लीव्स का आरमोल है, तो ये हमारा 7.5 इंच आता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे कैसे लेना है। अब चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कपड़े को आपको इस तरीके से डबल करना है। ऐसा समझिए कि जैसे ये कपड़ा ही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कपड़े की बंद बाजू जो है वो अपने साइड में आपको रखनी है। उसके बाद ये रहती है हमारी लंबाई। अभी लंबाई जो है, लंबाई अपने हिसाब से आपको रखनी है, जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। लंबाई आपकी शॉर्ट बनाना चाहते हैं, फुल बनाना चाहते हैं या मीडियम घुटनों तक बनाना चाहते हैं, जो भी आपके कुर्ती की लंबाई होगी उसमें आपको सिर्फ लंबाई नाप के 2 इंच में बढ़ाना है। अब चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे बॉडी के ऊपर नाप लिया मैंने 30 इंच आया, तो इसे कैसे नापते हैं, कैसा नाप निकालते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए 2.5 इंच पे आपको गले का मार्किंग करना है। 12 इंच हमारा शोल्डर है तो यहाँ पे हम 6 इंच लेते हैं। यहाँ पे आपको 1/2 इंच का इस तरह से तिरछा मार्जिन करना है। ये देखिए तिरछा मार्किंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपका गला जो है, गला आपको जैसे कैनवास पेपर पे हम गला बनाएंगे तभी हम गले की कटिंग कर लेते हैं, तब हम गला कट करते हैं। लेकिन जब हम बॉडी के ऊपर नाप लेकर हमें नाप निकालना है तो वो कैसे निकालना है और उसका क्रॉस भी कैसे निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 30 इंच चेस्ट का नाप है, उसमें आपको क्या करना है, 4 इंच इसमें मिलाना है, यानी कि ये निकलता है 34 इंच। ये बॉडी के ऊपर का नाप का मैं आपको बता रही हूँ। 30 इंच चेस्ट का नाप है, उसमें आपको लूजिंग रखना है 4 इंच, तो ये निकलता है हमारा 34 इंच। तो हमें 30 का 1/4 नहीं निकालना है, हमें 34 का 1/4 निकालना है, यानी कि 34 का 1/4 आता है हमारा 8.5 इंच। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब चेस्ट का नाप लेंगे हम तब हमें 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो ये देखिए
ये जो क्रॉस होता है, ये क्रॉस जो बोलते हैं, यहाँ पे हमारा 30 चेस्ट के लिए 6.5 इंच आया है, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक मार्किंग किया है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेस्ट का नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का नाप आता है 8.5 इंच, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसे 6.5 इंच पे इस तरह से क्रॉस लेना है। अभी ये जो पॉइंट आता है, यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। अब इसके आगे आपको 2 इंच मार्जिन रखना है। अभी 2 इंच यहाँ पे हमने 8.5 इंच, 8.5 इंच पे हमने चेस्ट का 1/4 लिया है, क्योंकि हमारा ये 30 चेस्ट का नाप है, उसमें हमने 4 इंच लूजिंग मिलाई है, उसमें हमारा 34 इंच बन जाता है। 34 इंच के बाद हमें उसका 1/4, 34 का 1/4 निकालना है, यानी कि 8.5 इंच हमारा निकलता है। 8.5 इंच पे हमने मार्किंग करने के बाद हमें लूजिंग मार्जिंग रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें आर्मोल कैसे लेना है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्रंट साइड का आर्मोल है, जैसे इस यहाँ पे हमारी जो सीधा करते हैं, तो इसे सीधा नहीं करना है, अपने साइड में गले के साइड में आपको थोड़ा सा तिरछा करना है, और इस तरीके से हल्की सी एक लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद इसे आपको इसी तरह से ये गोलाई देनी है। ये देखिए बहुत सिंपल है, हल्के से तिरछा करना है और आपको इसकी गोलाई देनी है। अब गोलाई देने के बाद यहां पे आपको कमर का नाप लेना है। अब जितना आपका कमर का नाप होगा, उतना आपको कमर का नाप लेना है। अभी 30 चेस्ट का है, तो 24 इंच 25 इंच आपका कमर होगा, तो कमर में आपको 2 इंच मिलाना है। 2 इंच मिलाने के बाद, जैसे 24 इंच कमर है तो उसमें आपको 2 इंच मिलाना है, यानी कि 26 इंच हो जाएगा, तो 26 का आपको 1/4 निकालना है। 26 का 1/4 निकालेंगे तब आपको प्लस 2 इंच रखना है। यहाँ पे हमने चेस्ट में 2 इंच लिया है, तो कमर में भी आपको 2 इंच लेना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आएगी, और यहाँ पे हमारी ये इस तरह से घेरा आएगा, और ये दूसरी जो है ये हमारा मार्जिन आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा मार्जिंग आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको आर्मोल को निकालना बताया है, कि जो मैंने चार्ट बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, जो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने 30 चेस्ट का बताया था, 32 चेस्ट का भी आपको ऐसे ही करना है। 32 चेस्ट का कैसे करना है, 32 चेस्ट में भी आपको क्या करना है, ये 32 का नाप, बॉडी के ऊपर नाप लेने के बाद आपका 32 इंच आया, उसके बाद उसमें आपको 4 इंच मिलाना है, यानी कि ये हो जाएगा 36 इंच। 36 का 1/4 आपको निकालना है, 9 इंच, तो 9 इंच चेस्ट का 1/4 हम यहाँ से यहाँ तक 9 इंच पे लेंगे, और उसके आगे आपको 2 इंच लेना है, यानी कि 11 इंच लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आर्मोल जो मैंने बताया है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये जो क्रॉस होता है, ये हमारा कुर्ती का क्रॉस हम कहते हैं, जो कुर्ती का आर्मोल निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये परफेक्ट सिलाई आएगी, तो चेस्ट के ऊपर हमारा ये नाप आएगा, तो यहाँ पे आपकी सिलाई जो है, सिलाई एकदम परफेक्ट आएगी, और फिटिंग भी आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ क्रॉस के बारे में बताया है, तो 30 चेस्ट के लिए 6.5 इंच पे आपको यहाँ से आधा इंच का हम क्रॉस देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच आया है, तो इस तरीके से ये क्रॉस आता है। 32 चेस्ट के लिए हमें 7.5 इंच, तो यहाँ से नापना है, और यहाँ तक हमारा 7.5 इंच आएगा। 34 चेस्ट के लिए आपको यहाँ से नापना है, यहाँ तक आपका 7 इंच पे आएगा। 36 चेस्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक आपको 7.25 इंच लेना है। 38 चेस्ट के लिए यहाँ से नापना है, और यहाँ तक आपको 7.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और 40 चेस्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक नापना है, और 7.25 इंच पे आपको मार्किंग करनी है। अभी जितना हमारा चेस्ट का नाप होगा उसके आगे आपको 2 इंच का मार्जिन रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। आप इसी तरह से लेंगे, इसमें आप सिर्फ 4 इंच मिलाएंगे, और उसमें आपको उसका 1/4 निकालते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा, तो आपकी फिटिंग जो है वो गलत आएगी। आप लूजिंग लेने के बाद मार्जिन भी लेना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्रॉस समझाया है। अब हमें आर्मोल के बारे में बताते हैं, आर्मोल कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं आपको पेपर के ऊपर ही समझाती हूँ।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने 30 चेस्ट का तो बता दिया है, तो इसके ऊपर ही हम 30 चेस्ट का आर्मोल जो है वो कैसे निकालना है स्लीव्स का वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्ड करना है, पेपर को फोल्ड करने के बाद बंद बाजू जो है वो अपने साइड में आपको रखनी है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 30 चेस्ट के लिए यहाँ पे हमने 6.5 इंच लिया था और 7.5 इंच कहाँ पे आता है, तो हमें स्लीव्स के लिए 7.5 इंच आता है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, इसकी लंबाई नापनी है। जैसे हमारी लंबाई है 5 इंच, इसमें आपको 1.5 इंच मिलाना है, यानी कि 1.5 इंच हमारे फोल्ड के लिए, आधा इंच हमारा ऊपर साइड में सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे के साइड में फोल्ड करने के लिए चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से हल्का सा तिरछा लेना है और 7.5 इंच पे आपको एक मार्किंग करनी है। जैसे ऊपर के साइड से हमें 2.5 इंच तक आपको लेना है, 2.5 इंच तक लेने के बाद लेकिन आपको ये गोलाई जो है इस तरीके से लेनी है। अभी यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे मार्किंग किया है। अभी 7.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसके आगे जैसे हमने चेस्ट में 2 इंच लिया है, यहाँ पे भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे हम सीधा 2 इंच रखते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से ये बाजू का शेप देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये बाजू का शेप दिया है। अब यहाँ पे हमारे 6.5 इंच पे फिटिंग आती है, क्योंकि जो स्लीव्स मैंने आपको बताई भी है गोलाई में बाजू को कैसे चढ़ाते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं, तो वो भी आप देखने के बाद पता चल जाएगा कि स्लीव्स को कैसे ज्वाइन किया है और कितनी परफेक्ट स्लीव्स हमारी आई है। तो यहाँ पे हमारा जो 2 इंच है वो हमारा मार्जिंग है, इसमें हमें लूजिंग नहीं मिलाना है। यहाँ पे हमने चेस्ट के हिसाब से ही ये निकाला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7.5 इंच पे हमने ये मार्किंग किया है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बॉटम है आपका, जैसे 6 इंच हमारा बॉटम आता है उसके आगे आपको 2 इंच लेना है। 2 इंच लेने के बाद अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधी एक लाइन लगानी है। सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी हमें एक मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से आएगी और ये इस तरीके से, और यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आएगी। ये देखिए तो ये हमारा स्लीव्स का हो गया। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दोनों भी समझाया है कि बॉडी के ऊपर नाप लेके हमें क्रॉस कितना रखना है और आर्मोल कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले भी हर साइज का ये मैंने आपको बताया है 30 से 40 तक। इसके आगे भी आप इसी तरह से ये थोड़ा थोड़ा करके, जैसे ये मैंने इतना बढ़ाया है उस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। जिसमें इसमें हमने 1/2 इंच बढ़ाया है और इसमें हमें 1.25 इंच बढ़ाया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आर्मोल को निकालना बताया है और दूसरा जो आर्मोल है इसे भी आपको इसी तरीके से 1/2 इंच का गैप रख के इसमें आपको मिलाना है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक साइड का आर्मोल, इसमें आपको ज्वाइन करना है। और ये जो है ये हमारा फ्रंट साइड का आर्मोल। अभी फ्रंट और बैक साइड का आर्मोल निकाला और स्लीव्स को कैसे निकालना है, ये दोनों की जो फिटिंग है ये परफेक्ट आती है क्योंकि ये बाजू जो है वो गोलाई में बैठती है। तो यहाँ पे आप देखिए 30 चेस्ट के लिए आर्मोल स्लीव्स का यहाँ से यहाँ तक आएगा हमारा 7.5 इंच, इसमें आपको आगे 2 इंच मिलाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। 32 चेस्ट के लिए आर्मोल आएगा हमारा 8 इंच, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 इंच आएगा और इसके आगे 2 इंच लेना है। 34 चेस्ट के लिए हमारा आएगा 8.5 इंच, 8.5 इंच में मार्किंग करनी है और उसके आगे आपको 2 इंच लेना है। 36 चेस्ट के लिए 9 इंच आएगा, तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आएगा, इसके आगे आपको 2 इंच लेना है। 38 चेस्ट के लिए आपको 9.5 इंच आएगा, यहाँ पे आपको 9.5 इंच पे मार्किंग करनी है, इसके आगे आपको 2 इंच रखना है। 40 चेस्ट के लिए आपको 7.5 इंच आएगा और उसके आगे आपको 2 इंच लेना है। क्रॉस आएगा आपका 7.5 इंच पे और आर्मोल आएगा आपका 10 इंच पे, तो आपको 10 इंच पे मार्किंग करनी है, उसके आगे आपको 2 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट के हिसाब से क्रॉस भी समझा है, क्रॉस यानी कि ये क्रॉस और आर्मोल यानी कि ये आर्मोल की गोलाई, यानी कि स्लीव्स के लिए ये आर्मोल की।
तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दोनों भी बताया है, कुर्ती का भी और स्लीव्स का भी। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने मेरे चैनल में मैंने जो कोर्स चालू किया है, जिनको भी ज्वाइन करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, तो ज्वाइन बटन पर आपको क्लिक करना है और आपको पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 89 रुपीज आपको पे करने हैं और आपको पूरे सिलाई का जो है बेसिक वो पूरा सीखना है। तो ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।